प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज सुबह सुबह दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद स्कूलों को खाली भी करा दिया गया। छात्रों के साथ साथ पेरेंट्स में दहशत फैल गई थी। खबरों के अनुसार करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने की खबर सामने आने के बाद दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते को भी भेज दिया गया था। स्कूलों की तलाशी भी ली जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस बड़ी ही गहनता से जाँच कर रही है कि आखिर मेल के सर्वर का लोकेशन कहाँ है। इसकी बड़ी ही गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि इसके पीछे कोई भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा अभी आपने देखा, एलजी साहब इस डीवी स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में, तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, DDT है, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है, तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं। पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। दिल्ली के जैसे ईस्टर्न रेंज में ही करीब 15 स्कूल में आ चुकी थी। कुछ आपके यहाँ मेरे ख्याल 8 स्कूल इनके नॉर्थ वेस्ट में हैं, सेंट्रल में भी कुछ स्कूल्स हैं, मतलब पूरे दिल्ली में ही काफ़ी स्कूल्स हैं। मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज 5 to 10 स्कूल्स हैं, तो काफ़ी स्कूल्स में आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हॉक्स कॉल है या किसी ने कॉल कराने की कोशिश? इवन इफ इट इज़ अ हॉक्स कॉल, वी कैन नॉट टेक चांसेस। तो हमें तो पूरी अपनी कार्रवाई करनी है, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या है, लेकिन जो भी कॉल आती है हम उसको सीरियसली लेते हैं। नोएडा में भी इसी तरह की मेल्स मिले, तो क्या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस उनसे भी आप लोग मिलते हैं? हम दिल्ली का देख रहे हैं, उनका वो देख रहे हैं। ठीक, थैंक यू।